नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तराखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों पर चर्चा करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली का माहौल है, चारों तरफ धूमधाम से होली के त्यौहार को मनाने की शुरुआत हो चुकी है, तो आज का हमारा वीडियो भी इसी पे आधारित है। आज हम लोग उत्तराखंड में, खासकर जो कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली है, उस पे आधारित आज हम वीडियो देखेंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है कुमाऊं की, लोहा घाट। वहां के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस समय होली का मंचन शुरू हो चुका है, धूमधाम से खड़ी होली को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम उसको देखेंगे, उस पे बात करेंगे। तो कुमाऊनी होली की एक अपनी एक अलग विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। ये होली जो है, ये जाड़े खत्म होने का संदेश लाती है और फसल बोने के मौसम के आगमन की सूचना देती है। यहाँ की होली देश के अन्य भागों से अपना एक पृथक स्वरूप रखती है। खड़ी होली और बैठकी होली के रूप में यहाँ की होलियाँ प्रमुख रूप से मनाई जाती है, जिनकी थीम रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों में है, और साथ साथ जिनकी थीम आधारित है हमारे पर्वतीय जो जीवन है, उसके जो दैनिक क्रियाकलाप है, उससे संबंधित इसकी थीम है। यहाँ की होली में हंसी है, ठिठोली है, मजाक है और बहुत सारे इमोशंस हैं। इसके अलावा कुमाऊं की जो खड़ी होली है, इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है, इसमें खड़ी बोली है और साथ साथ इसमें कुमाऊनी भाषा का भी बहुत खूबसूरत तरीके से मिश्रण देखा जाता है। इस कुमाऊनी खड़ी होली का एक पर्टिकुलर एक समय होता है, एक रिदम होता है, राग होते हैं, ताल होते हैं, इसको गाने वाले होल्यार कहे जाते हैं। बहुत खूबसूरत ये हमारी पर्वतीय कुमाऊं और गढ़वाल अंचल की होली है, जो अमूमन फाल्गुन पूर्णिमा से पहले जो एकादशी होती है वहाँ से शुरू होती है और चीर लगाने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चीर यानी कि एक पेड़ की मोटी शाखा के ऊपर कपड़ों के बहुत सारे टुकड़े बांधकर उसको चीर को बनाया जाता है, जिसको देवी भगवती का रूप भी माना जाता है। तो आज जो हमारी होली है, जिस होली को आज हम देखने जा रहे हैं, जो लोहा घाट के ऐतिहासिक जो रामलीला मैदान है जिसपे उसका मंचन हो रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण गांव की है। उस गांव में हम लोग पहले भी जा चुके हैं, वो गांव है सुई खैस कांडे गांव, और जहां पे चार दियोली साक्षात विद्यमान है, आदित्य महादेव जहां पे विराजमान है, और उस वहां के मंदिर की भी झलक हम इस YouTube चैनल में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सुई खैस कांडे गांव की बहुत सुंदर, बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ज्यादा आंखों को सुकून देने वाली कर्ण प्रिय होली। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं श्री मदन मोहन पुजारी जी से उस क्षेत्र की होली के बारे में, कुमाऊनी क्षेत्र में खेली जाने वाली इस खड़ी होली के बारे में, क्या उसकी विशेषता है, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम सुनेंगे श्री मदन मोहन पुजारी जी को। मैं मदन पुजारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे तीन गांव सुई की होली प्रमुख होल्यार, क्षेत्र के प्रमुख होल्यार श्री राजेश चौबे जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री सचिन ज्योति जी, ग्राम प्रधान श्री भुवन चौबे जी, एक्स जेसीओ श्री रमेश खरकवाल जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री गौरव पांडे जी, श्री प्रकाश खरकवाल जी, श्री दिनेश पुजारी जी, श्री हेम जोशी जी, श्री केशवदत्त चौबे जी, श्री गणेशदत्त चौबे जी, श्री नवीन चौबे जी, गौरव चौबे जी, आदि क्षेत्रवासियों के नेतृत्व में समस्त होल्यार रामला मैदान लोहाघाट में पहुंचे, जहां होली महोत्सव के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा सुई के होल्यारों का स्वागत किया गया। साथ ही साथ समस्त होल्यारों द्वारा होली का
गायन अपने अद्भुत एवं अलौकिक सुर, लय, ताल के साथ साथ जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में सुई की होली प्रसिद्ध मानी जाती है। जिस प्रकार होली के गायन के बोल रहे सीताराम को ब्याहु न सखियो चलो जन कपूर जाना है। दूसरा बोल था जन बोले बलम मैं बिखर जाऊंगी, जन बोले बलम मैं बिखर जाऊंगी। साथ ही साथ जो झोड़ा काफी फेमस है वो भी समस्त ज्ञान द्वारा यहाँ पर गाया गया, जिसके बोल हैं चल राधे री जमुना छट की लो लो कंगना, चल राधे री जमुना छट की लो लो कंगना। दूसरा बोल था राधा नोली चंचन लो भाई रहो मेरो मना, राधा नोली चंचन लो भाई रहो मेरो मना। आदि गीतों द्वारा यहाँ पर होली गायन किया गया, बहुत ही भव्य एवं अलौकिक अंदाज में समस्त भजनों द्वारा होली गायन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं अब लोहाघाट के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में और देखते हैं कुमाऊनी खड़ी होली सुई गांव की जो जितने भी लोक गीत है हमारे उसके वाद्य यंत्र है, ढोल है, हारमोनियम है, मंजीरे है, उसकी सुरताल पे ये खूबसूरत होली का मंचन जिसके बोल है कि सीताराम को ब्याह उन सखियो चलो जनकपुर जाना है, ओ सुमिरो सीताराम राम भज हर भज राधे और राधा राधा जन जनानो छायरो मेरा मन।
रहे थे जिसमें भी हमारे होली मॉडल के कार्य मंडल की टीम को तैयार करें खत्म हो जा रहा है उसके तुरंत बाद हमारे रामलाल चौबे जी होली प्रत्येक होली है यहाँ पर होगा तो आप सभी कार्य मंडल में श्री तैराकी मेहता जी नवीन मोहरी जी और उनकी पूरी टीम जो आप